उठाएंगे सुतली बम फोड़ के। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम फोड़ने वाले हैं सुतली बम किसके ऊपर? दर्शिल के ऊपर। गाइस, हम गए थे 2 दिन पहले वाटर पार्क में। वहाँ पे बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। और दर्शिल की हालत अभी बहुत ही ज्यादा कैसी हो गई है? डॉक्टर को तो दिखाया पर डॉक्टर ने बोला कि आराम करो। गाइस, दर्शिल को उठाने के लिए हमारे पास है पॉपअप। अगर इससे नहीं उठाना तो इससे भी नहीं उठाना तो हम यूज करने वाले है ये। गाइस, ये है जायंट क्रैकर्स, इसको हम गुजराती में बोलते है लूम। इसको क्या बोलते है? इसको कोठी बोलते हैं। गाइस, इससे भी नहीं उठाना तो मेरे पास ये क्या है पता है? सुतली बम। सुतली बम दिखा, इतने छोटे छोटे सुतली बम, इसको तो तेरे मुंह में ही रख दूंगा। मस्त फूटेगा, तेरे सारे दांत निकल जाएंगे। गाइस, अभी दर्शिल रूम में सो रहा है। सब तैयार है ना? दिखा सुतली बम। गाइस, हम एक साथ 2 सुतली बम फोड़ेंगे। ओके गाइस, दर्शिल भाई सो रहा है, अभी हम इसको उठाएंगे सुतली बम से। इसको एक बार हम उठा के देखेंगे, अगर उठेगा तो ठीक है, नहीं उठेगा तो सुतली बम तो है ही। और गाइस, वाटर पार्क से ये इतना ज्यादा थक गया है ना, खेलने भी नहीं आ रहा दिवांश के साथ। दर्शिल गाइस, लग रहा है कि सुतली बम फोड़ना ही पड़ेगा। चलिए गाइस, एक साथ 2 सुतली बम फोड़ेंगे। ओके, अभी तो उठना ही चाहिए। एक सिर पर क्या बात, और एक अभी तो बम फूटना बाकी है भाई, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। गाइस, ट्रेलर है ये रहा। ये देख भाई, तू तो बहुत ज्यादा थक गया और बहुत ही ज्यादा फट निकला। ये क्या है? स्पीकर बजा, सुतली बम इसमें फटा। दिवांश को पूछ। Yes. ये है निंजा टेक्निक उठाने के। सभी टाइम हो चुका है छोटे छोटे पटाखे फोड़ने का, और दिवांश और दर्शिल आया है ये पटाखा पॉपअप दे देना। गाइस, ये देखो कितने छोटे छोटे आते हैं, इसको है ना एक साथ में फोड़ने का ऐसे। दिवांश ऐसा नहीं करते, दे दे सबको बांट के फोड़ना चाहिए। ये ले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तेरे को एक चीज दो, क्या झाड़ो झाड़ो मार दे भाई। ये करने से क्या होता है तेरे को मालूम भी है? मालूम है। क्या होता है इससे? कसरत। क्या होता है? कसरत। कसरत, एक थप्पड़ पड़ेगी ना सीधा वहाँ पे गिरेगा। गाइस, अभी हम आए हैं बहुत ही प्यारी जगह पे, हार्दिक को खेलना था इसलिए। ये है दिवाली आनंद बच्चा, तू है देख तेरा छोटा भीम। गाइस, हार्दिक को है ना छोटा भीम बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो कौन? वो तेरा भाई और वो तेरी बहन। थैंक यू गाइस। टिकट के लिए इधर से जाना है पर कोई है ही नहीं। अभी एंट्री टिकट फ्री है और अभी स्टॉल लगी भी नहीं है। हार्दिक अपनी स्टॉल लगा देना गोलगप्पे की, ये पूरी ले लेना। तो गाइस, अभी तो स्टॉल आई ही नहीं है, कल दिवाली है ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल आ जाएगी। कल आ जाएगी ना हार्दिक? बहुत ही मजा आएगा गाइस। हार्दिक इसमें जाएगा, तू जा इसमें, इसमें जा, ये हाथी के ऊपर, वैसे भी तो हाथी है ना। गाइस, ये वाली है ना राइड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उसके बाद ये वाली, ये खाली है, लगता है कि यहाँ पे है ना एक बोट आएगी। ओहो, ड्रैगन बोटिंग उधर है। गाइस, ये देखो हार्दिक के लिए। गाइस, ये तो अभी रेडी भी नहीं हुआ है, बोट देखो कितनी छोटी छोटी है। हार्दिक के लिए बोट, 2 बोट चाहिए क्योंकि एक में जाएगा तो डूब जाएगा। पानी पड़ा है, लेवल पानी का बहुत ही कम है। ओ भाई, ये क्या कर रहा है? इससे पूरा टकला कर दूंगा। कब करेगा? अभी चार्ज हो जाने देना। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चालू कंपनी का, इसके लिए तेरा ही है, तेरा ही है भाई। गाइस, ये इसका नाम लेगा मेरा। तो गाइस देखो, रात का नजारा कितना प्यारा लग रहा है, लाइटिंग देखो कितनी मस्त लग रही है। गाइस, अभी 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जो गेस्ट आने वाले थे ना वो अभी तक नहीं आए है, तो इंतजार करना पड़ेगा। और आप सबको तो पता ही है सबर का फल मीठा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।
अभी दिवाली आने वाली है और हार्दिक देखो ये क्या लेके आया।